पर जब अब के गांव में जाएंगे इनके ऐसे कार्टून बना के भेजेंगे वापिस कि जिंदगी भर और भी याद रखेंगे, इनके गले में जुत्ता की माला होगी, जंतर मंतर लोग पहुंच गए आहिस्ता आहिस्ता, कहीं और भी चले जाएंगे। हमने एक दो डीएम के भी बक्कल तारे, एडीएम के भी तारे उस वक्त। बेईमान कम से कम बेईमानी में सोच समझ की बेईमानी करता कि झूठ बोलने का काम और बाजीगरी दिखाने का काम, चोरी करने का काम इन तब बैठिया किसी ने ना लोग करा और ना कोई प्रधानमंत्री करे। वोट बीजेपी ने नहीं दे, किसी ने दे। लखनऊ जाने वाले बहुत हैं लखनऊ में, लखनऊ ने तो चारों तरफ घेर लेंगे। कैसे घेरोगे? जैसे यहाँ दिल्ली घेर रखी ऐसी घेर लेंगे। वो तो कार्टून के माध्यम से कह रहे हैं कि आ जाओ। अरे कार्टून तो ये खुद बन रहे हैं, इन्हें कार्टून बनाने की जरूरत तो है नहीं। कार्टून तो जब ये गांव में जाएंगे ना, किसान तो यहाँ भी आ गया, लखनऊ भी पहुंच जाएगा, पर जब अब के ये गांव में जाएंगे इनके ऐसे कार्टून बना के भेजेंगे वापिस कि जिंदगी भर और भी याद रखेंगे कि कितने बढ़िया कार्टून। ना मारपीट से थोड़े कार्टून बने, कार्टून तो इनकी तस्वीर बदल देंगे, इनके गले में जुत्ता की माला होगी, गले में तो जुत्ता की माला घेरेंगे, इनके टीके लगाओगे हरे बजाय लाल के पीले के, हरे टीके लगाओगे और जब इन्हें गाँव में काटेंगे, भैया हमारे वे नेता है जो वहाँ बैठ के हम पे कुठाराघात कर रहे थे, हम तो वो काम करेंगे, मारते नहीं। लेकिन जैसे टिकैत साहब का बयान आया कि लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, तो बीजेपी ने एक ट्वीट करके कहा कि आइए बक्कल उतार देते हैं यहाँ। अरे बक्कल का तो यहाँ भी उतारे थे बक्कल, तो यूँ कहते हम बड़न ना दें, जंतर मंतर लोग पहुँच गए आहिस्ता आहिस्ता, कहीं और भी चले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसकी इस किसान की जो रफ्तार है ना, किसान की जो रफ्तार है बेटे एकदम हाई ग्रेड की नहीं है, हाई नहीं लगाता है। तो ये जंतर मंतर किसान संसद चल रही, जीत मानने अपने। अरे और जीत तो है ही, बहुत 100% जीत है, और इनमें खड़बड़ी मछली उधनत है, ये कोई बदजमान बोल रहा कुछ। और फिर आप जो कह रहे थे ना कि ये यूं कह रहे हैं, भाई जिसकी जैसी आत्मा होगी और जैसे उसके भाव होंगे उसकी भाषा भी वैसी होगी, तो जब इनकी गंदी आत्मा है, गंदे विचार है, गंदे कर्म है, तो भाषा भी इनकी गंदी है। ये तो टिकैत साहब कह रहे हैं ना बक्कल उतारने वाली बात, ये हमारी हमारा अनुसरण कर रहे हैं ये है? पर हम कहे थे जहाँ कहीं न्यू देखे थे आज खराब हो रहा, हमने एक दो डीएम के भी बक्कल तारे, एडीएम के भी तारे उस वक्त, पर अब वह भाषा, अब वह भाषा हमारे टिकैत नहीं बोलते ये, वह भाषा चोर साहब थे थोड़े पढ़े हुए लिखे थे, अब ये पढ़े लिखे आ गए, इन्होंने वह भाषा छोड़ दी, और इन्होंने पढ़ाने जो है बैठे जिनकी डिग्री भी फर्जी है, न्यू भी नहीं देखी है, उस वक्त तो कंप्यूटर का नाम नहीं था और कंप्यूटर की डिग्री दिखा रहा, बेईमान कम से कम बेईमानी में सोच समझ की बेईमानी करता, तो ये अनपढ़ बैठे हैं। खुश हो रहे हैं पढ़े हुए प्रधानमंत्री मिले हमको, कौन कह रहा आप लोग? हम तो उस दिन से ही खुश है ना, हमने इसकी राय दी ना, खुश हुई है ना राय दी, हमने नहीं दी, ये तो हमारे जो ये बालक है ना ऐसे ऐसे ये भका लिए, इन्हें 20,000 करोड़ नौकरी दे रहे थे, 15-15 लाख योगी जी इनके खाते में तो दिए, तमाम पोस्टर लग रहे हैं दिल्ली में। किसे दे दिए 4 लाख? 4 लाख नौकरी किसे दे दी पोस्टरों में? अरे 52,000 करोड़ रुपया, 52,000 करोड़ रुपया इन्होंने बच्चों के फार्म भरा के कमा लिया, और नौकरी आज सुबह बैठे थे यहाँ 500-600 बालक यहाँ थे ऐसे, जिनके इंटरव्यू हो लिए, डॉक्टरी हो ली, हर इम्तिहान में पास हो लिए, और वे नौकरी पे नहीं जा रहे, जंतर मंतर पे गए तो पुलिस की धमकी दे के वे मतलब भगा दिए। ये पोस्टर के लोग प्रदेश नंबर वन है। अरे सुनो सी, जब मैं झूठ प्रदेश नंबर वन देश नंबर वन यही तो बता रहे हैं, किसी किसान तय, किसी बालक तय, किसी गांव में किसी तक कहा दे तो आप भी तो जब मैं अपने जब मैं अपनी तारीफ आप करूंगा तो मियां मिट्ठू हो जाऊंगा, जो अपनी तारीफ आप करता है वो आदमी महान नीच और निकम्मा हो। तो आप भी तो मेरठ से, तारीफ उसकी होनी चाहिए जो दूसरे करते हैं। कितने नंबर पे होगा फिर आप बताओ मेरठ से? आप भी मेरठ से? हाँ। आप कितने नंबर पे होगा प्रदेश? वो तो पहले नंबर पे बता रहे हैं नजर में। हाँ। यो पहुंच गया जहाँ बिल्कुल जीरो नंबर हो, माइनस जीरो नंबर पे पहुंच गया, जीरो से भी हम आगे जानते नहीं के हो वो जिस पे न्यू लगा दें उस पे पहुंच गया। अरे भाई एक बात बताओ, बच्चों को नौकरी नहीं, मजदूर को रोजगार नहीं, किसान को उसकी फसल का पैसा नहीं, यही तीन चीज पे मजदूर
नौकर और किसान तीन चीज भी देश अच्छा कोई अच्छा करया ही नहीं ना लगता तो जी बिना ने करया ही नहीं। इन्होंने तो एक काम करा अच्छा के झूठ बोलने का काम और बाजीगरी दिखाने का काम चोरी करने का काम इन तब बैठिया किसी ने ना लोग करया और ना कोई प्रधानमंत्री करे। अरे गौशाला जो बनवाई गौशाला कहाँ ये तो इन्होंने बे बना दिए कचान खाने इस गाय की तो ये कहे गौ माता के हम सेवक इस गाय की जितनी दुर्गत और जितनी कम कीमत इनके राज में हुई कभी नहीं हुई। और सड़कों पे गाय मर रही है मरने से काम चली सड़का पे मर रही रोज गांव में मर रही है रोज हर गांव में अगर गिनती करो तो दो चार गाय रोज मर रही है और ये उन्हें दबवा भी नहीं सकते ये तो दबवा भी नहीं सकते उन्हें ये तो झूठे आदमी है। गौ रक्षा दल भी तो बना हुआ है। गौ रक्षा दल से हमने पूछा था मेरठ में ऐसा हुआ एक बिजार मर गया कुछ गांव में चमचे थे इन्होंने रिपोर्ट कर दी साहब फला आदमी ने बिजार मार दिया जबकि वो मेरे आप जो भी गौ रक्षक आए हम भी पहुंचे वहां मेरे हमने उन तक बताओ भाई थारे घर में कितनी कितनी गाय पड़ रही हैं और सब पीछे लखाने लगे मगर हम इंक्वायरी करेंगे। अरे हमारे घर में तो अभी दो दो चार चार तीन तीन गाय हैं और बैल भी हैं हम तो उनकी रक्षा कर रहे हैं पालन पोषण थारे किसके घर में कितनी गाय हैं एक के भी नहीं गाय पाई इंक्वायरी करवाई एक के भी गाय नहीं पाई सब इनकी ढाल के झूठे। योगी ने कितनी गौशाला बनवा दी कितने अस्पताल बनवा दिए सुनिए कितनी गौशाला बनवाई कितने अस्पताल बनवाए कितने स्कूल खुलवाए संसद बना रहे संसद तो या 100 साल भी नहीं गिरे जोन सी ये बना रहे छोटी है ना ये छोटी है या इन बेईमान नगरियां तो या भी बड़ी जी बिना ने कुछ करना नहीं छोटा उस आदमी के लिए पड़े काम जो विस्तार करता हो ये तो इसका ही विस्तार नहीं कर रहे देश का विस्तार जब होगा जब होगा 6 महीने बाद वोट पड़ेंगे यूपी में किसे दोगे वोट बीजेपी ने नहीं दे किसी ने दे तो यह एक पुरानी मिसाल है सब बीजेपी ने नहीं दे और हर गांव नहीं बीजेपी का नंबर तो वोट का जब आओगा इन्हें घुसने नहीं दे कानून वापस कर ले फिर पंचायत चुनाव में 700 सिपाही लेकर गया था हमारे गांव में कपिल है एक जेट पूरे का 700 क्यों पहले दिन उन्होंने सोची बटन नहीं दिया 700 सिपाही लेकर गया हमने उस दिन भी उससे यूँ कह दी इस गांव ने ये 700 सिपाही बता किस बात पे घेरेंगे क्या करेंगे इस गांव का तू हमने डराना आया हम तो ना होन नहीं दें कहा जी होऊंगा भी जिला पंचायत भी होऊंगा अध्यक्ष भी होऊंगा मगर जिला पंचायत नहीं होने दें और जो तू अध्यक्ष भी बन गया तो तने जिला अध्यक्ष होन नहीं दे चाहे हमने तू निपटाना हो बिल्कुल क्लियर कह दी तेरे सिपाही भी दे अरे हमारा क्या बिगाड़ेगा कोई बता तो प्लान किधर है मुंड क्या बनना प्लान यो है इन्हें नहीं होने दें बांग्लादेश की ढाल भाजपा ने ये जो पूंजीपतियों की सरकार है इसे नहीं होने दे चाहे किसी ने बनाओ मैं किसी भी बनाओ उसी ने बनाओगे जो किसानों का भले की गारंटी देगा और भला करेगा।